छात्रों, आज मैं आपके सम्मुख उत्साह और उमंग के साथ हिंदी पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका के बारे में और प्रश्न पत्रिका के बारे में बताना चाहती हूँ। हिंदी पाठ्य पुस्तक में तीन भाग है, वो कौन कौन सा है? प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान है। इसमें प्रथम सोपान में गद्य भाग है। क्या है? गद्य भाग। आठ पाठ हैं। पाठ में माने गद्य भाग में पहला पाठ है सुजान भगत, यह कहानी है। दूसरा पाठ है कर्तव्य और सत्यता, यह है निबंध। तीसरा पाठ गंगा मैया से साक्षात्कार, यह भेंट वार्ता है, माने साक्षात्कार है। चौथा पाठ यह कहानी यह भी, यह है आत्मकथा है। पांचवा पाठ है भारत रत्न विश्वेश्वरैया, यह है जीवनी है। छठवां पाठ है चीफ की दावत है, यह कहानी है। सातवां पाठ है भोलराम का जीव, यह है व्यंग्य रचना है। आठवां पाठ है यात्रा जापान की, यह है यात्रा वृत्तांत है। गद्य भाग में पहला सोपान में आठ पाठ है। कितने पाठ? आठ पाठ। आठ पाठों से आप लोग यह जानना चाहिए कि एक वाक्य का छह प्रश्न आएगा, एक वाक्य का छह प्रश्न। आप लोग गद्य भाग से एक वाक्य का छह प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए, छह प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। एक वाक्य में या एक शब्द में या वाक्यांश में उत्तर लिखना चाहिए। अंक होगा छह और तीन अंक का तीन प्रश्न लिखना चाहिए। इस पाठ से, आठ पाठ से तीन अंक का तीन प्रश्न लिखना चाहिए। प्रश्न पांच प्रश्न दिया जाता है, पांच प्रश्नों में आप लोग तीन प्रश्न लिखना चाहिए। तीन प्रश्नों का अंक होगा नौ, एक के लिए तीन, तीन प्रश्नों का अंक होगा नौ। और किसने किससे कहा, चार किसने किससे आएगा, इसके लिए चार अंक है। इसके बाद ससंदर्भ है, पाठ की ओर से ससंदर्भ पूछा जाएगा, किस संदर्भ में कहा गया है, किससे कहा गया है, क्यों कहा गया है, कब कहा गया है, इस विषय के बारे में आप लोग लिखना चाहिए ससंदर्भ। चार ससंदर्भ दिया जाता है, आप लोग दो ससंदर्भ लिखना चाहिए। चार ससंदर्भ में दो ससंदर्भ लिखना चाहिए, एक ससंदर्भ के लिए छह अंक। कुल जमा के एक ससंदर्भ के लिए तीन अंक, दो लिखना चाहिए, कुल जमा के छह अंक होगा। कुल जमा के कितना हुआ? पंद्रह, पच्चीस। गद्य भाग में पच्चीस अंक, कितने? आठ पाठ से 25 अंक आप लोग कमा सकते हैं। अब आइए द्वितीय सोपान माने पद्य भाग। पद्य भाग में मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता हम देख सकते हैं। मध्यकालीन कविता में रैदास वाणी, सूरदास के पद, अरहिम के दोहे, बिहारी के दोहे, ये चार हैं। आधुनिक कविता में अधिकार, गहने, कायर मतबन, एक वृक्ष की हत्या, भारत की धरती हो गई पीर पर्वत से। देखिए, गहन अधिकार, गहने, कायर मतबन, एक वृक्ष की हत्या,
भारत की धरती हो गई पीर परवसी, ये छह है। छह प्लस चार कुल जमा के दस पद्य भाग में है, दस पद्य पद्य भाग में है। दस पद्यों में एक वाक्य का छह प्रश्न पूछा जाएगा, छह अंक होगा, छह प्रश्न के लिए छह अंक होगा। देखिए एक वाक्य का पद्य, मध्यकालीन पद्य से या मध्यकालीन पद्य भाग से दो प्रश्न पूछे तो आधुनिक कविता से चार प्रश्न, एक वाक्य का चार प्रश्न पूछा जाएगा। कुल जमा के छह हुआ है ना, प्रश्नोत्तर चार प्रश्न पूछे जाते हैं। चार प्रश्नों में आप दो लिखना चाहिए, दो के लिए एक एक प्रश्न के लिए तीन अंक, कुल जमा के छह अंक होगा। सिर्फ कितने अंक, एक प्रश्न के लिए तीन अंक है, दो प्रश्न लिखना ही चाहिए, इसीलिए छह अंक हुआ है ना। उसके बाद पद्य भाग में संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए है। कैसे प्रश्न दिया जाता है, देखिए मध्यकालीन पद्य भाग से दो पद्य भाग दिया जाता है, दो दोहे दिया जाता है, दो दोहे में आप लोग जरूर एक लिखना चाहिए, एक दोहे के लिए चार अंक मिलता है, चार अंक आप लोग जरूर लिखना चाहिए। आधुनिक कविता भाग से दो पद्य भाग, पंक्ति देने के बाद आप लोग क्या करना चाहिए, पद्य भाग में एक चुनकर लिखना चाहिए, आधुनिक पद्य और मध्यकालीन पद्य, इन दोनों में दो लिखना चाहिए, दो के लिए आठ अंक, चार प्लस चार कितने अंक, आठ अंक, कुल जमा के बीस अंक। पद्य गद्य भाग में 25, पद्य भाग में 20। अब आइए तृतीय सोपान, तृतीय सोपान में दो एकांकी है, एक सूखी डाली है और एक प्रतिशोध है। इस ये दो दोनों एकांकी है ना, ये दोनों एकांकी से पांच प्रश्न पूछा जाएगा। पांच प्रश्नों में आप लोग क्या है, पांच प्रश्न, एक वाक्य का पांच प्रश्न, पांच प्रश्न एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना चाहिए, इसके लिए पांच एकांकी, देखिए इसमें पांच अंक मिलेगा, एक वाक्य के लिए पांच अंक मिलेगा। इसके बाद बड़ा उत्तर वाला प्रश्न, पांच अंक के लिए, एक प्रश्न के लिए पांच अंक दिया जाता है, इसीलिए सूखी डाली से दो प्रश्न दिया जाता है। ऑप्शन है दो प्रश्नों में एक प्रश्न लिखना चाहिए, एक के लिए पांच अंक, प्रतिशोध पाठ से एकांकी से दो प्रश्न दिया जाता है, एक लिखना चाहिए, कुल जमा के दस। यहां एकांकी से 15 अंक का प्रश्न आएगा, कुल जमा के गद्य भाग पद्य भाग एकांकी से 60 अंक का प्रश्न आएगा, 60 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए 40 अंक का प्रश्नोत्तर कहां से आएगा, अभ्यास पुस्तिका से आएगा, यह है व्याकरण भाग से आएगा। देखिए व्याकरण भाग में हम यह देख सकते हैं कि पहले अशुद्धि शोधन, अशुद्धि शोधन माने व्याकरण संबंधी अशुद्धि है, व्याकरण संबंधी माने किस तरह, लिंग संबंधी अशुद्धि हो, वचन संबंधी अशुद्धि हो, कारक संबंधी अशुद्धि हो या क्रिया संबंधी अशुद्धि हो, यह चार अंक के लिए पूछा जाएगा। व्याकरण भाग में अशुद्धि शोधन चार अंक के लिए। और रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए माने कारक चिन्हों के द्वारा वहां खाली जगह भरना चाहिए, यह भी चार अंक के लिए। इसके बाद लिंग, आपको पता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में दिए तो पुल्लिंग में लिखना चाहिए, पुल्लिंग में दिए तो स्त्रीलिंग में लिखना चाहिए, तीन अंक के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद इनके लिए एक नाम, इनके लिए एक नाम माने
अनेक शब्दों के लिए एक नाम है, यह तीन अंक के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद जोड़ कर लिखो। मुहावरे दिया जाता है, इन मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखना चाहिए। यह है चार अंक के लिए। और उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग दो अंक के लिए और प्रत्यय दो अंक के लिए। उसके बाद निबंध या पत्र लेखन, निबंध या पत्र लेखन पांच अंक के लिए दिया जाता है। यहां आप लोग निबंध, निबंध या माने ऑप्शन है, निबंध लिखना है या पत्र लिखना चाहिए। आप लोग निबंध लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूर लिखना है पत्र लेखन। पत्र में औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, इन दोनों में एक जरूर दिया जाता है, आप लोग जरूर लिखना चाहिए पत्र। पत्र के लिए मिलेगा पांच अंक। और उसके बाद अपठित गद्यांश माने अनुच्छेद, अनुच्छेद में पैसेज दिया जाता है, पैसेज को पढ़कर आप लोग उत्तर लिखना चाहिए, इसके लिए पांच अंक। इसके बाद अंग्रेजी और कन्नड़ में वाक्य दिया जाता है, इस वाक्य को आप लोग हिंदी में अनुवाद करना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए, इसके लिए पांच अंक। तीन अंक का काल है, काल परिवर्तन है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, यह तीन अंक के लिए आएगा। कुल जमा के 40 अंक का व्याकरण है, 60 अंक का पाठ्य पुस्तक से, कुल जमा के 100 अंक का प्रश्न पत्र है। रईदास वाणी के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।